हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। ये फिल्म शुरू होती है खूबसूरत से लड़की एलिस से। एलिस फिलहाल यहाँ लंदन की गलियों में गुजर रही है। दूसरी तरफ से आ रहा है डैन। डैन जब एलिस को देखता है तब उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। अचानक से यहाँ एलिस को एक कार हिट करती है। डैन उसे बचाने जाता है, वो उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। यहाँ मरहम पट्टी कराने के बाद दोनों साथ में वॉक पर निकलते हैं। यहाँ पास के पोस्टमैन पार्क में जाते हैं। यहाँ कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं। दरअसल ये पार्क उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने दूसरों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। उन लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दोनों अपने बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं। बाद में एलिस डैन को उसके वर्क प्लेस तक ड्रॉप करती है, पर दोनों को रियलाइज़ हुआ कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस तरह इन दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया। दोनों साथ में एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं। धीरे धीरे एक साल बीत गया। डैन और एलिस एक साथ ही रहते हैं। डैन ने तो बाकायदा एलिस की लाइफ पर एक नॉवल लिखी है। अब इस नॉवल को पब्लिश कराने से पहले डैन खुद की फ़ोटोग्राफी कराना चाहता है ताकि वो इस नॉवल की मार्केटिंग कर सके। इसके लिए उसने एक फ़ोटोग्राफ़र हायर की है, एना कैमरन को। फोटोग्राफी के दौरान डैन और एना एक दूसरे के क्लोज होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया कर बैठे। इतने में एलिस आ जाती है। एलिस को अभी तक इन दोनों के आपसी संबंध का पता नहीं चल पाया, पर वो जैसे ही बाथरूम गई डैन एना के पास गया। वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है। इतने में एलिस आ गई। डैन तो यहाँ से चला गया, पर एलिस एना से कहती है कि वो खुद की भी फ़ोटोग्राफी कराना चाहती है। एना ने एलिस की फ़ोटो खींचनी शुरू की। यहाँ एलिस कहती है कि उसने डैन और एना की बातों को सुन लिया था, यानी अब वो इनके बारे में जान चुकी है। यहाँ वो काफ़ी भावुक होती है। एना ने उसकी भी एक पिक खींच ली। हालांकि एलिस डैन के बारे में जान चुकी है कि डैन एना को पसंद करता है, पर फिर भी उसने इस बारे में बताया नहीं। अभी भी उसी के साथ रहती है। इन सब में एक साल और बीत गया। डैन को हम देख रहे हैं कि वो किसी से चैट कर रहा है, और वो भी लड़की बनकर। दरअसल वो इस समय अपने दिलो दिमाग में एना को बिठाए हुए है, और एना बनकर वो किसी मर्द के साथ चैट कर रहा है। इस शख्स का नाम लैरी है। डैन लैरी को मिलने के लिए एक लोकेशन पर बुलाता है। ये वही जगह है जहाँ एना अक्सर जाया करती है। लैरी यहाँ आता है, पर इत्तेफाकन यहाँ उसकी मुलाकात एना से हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया, और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं। अब चूंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, अब ये कपल बन गए हैं। 4 महीने के बाद यहाँ पर एना की फ़ोटोज़ की एग्जीबिशन होती है। यहाँ पर लैरी भी आया है। लैरी यहाँ एलिस को देखता है। वो पाता है कि एलिस की फ़ोटो भी यहाँ पर एक लगी हुई है, जो कि काफ़ी भावुक किस्म की है। इस तरह लैरी एलिस से दोस्ती कर लेता है। एना के जरिए लैरी को यह पता चला कि एलिस डैन के साथ रिलेशनशिप में है। डैन भी एना से मिलता है। वो कहता है कि वो आज तक उसे भुला नहीं पाया, वो उसे पसंद करता है। एना भी डैन की बातों में आ जाती है। अब वो भी डैन को पसंद करती है। इस तरह दोनों अपने अपने पार्टनर्स को चीट करते हुए एक दूसरे के साथ संभोग करते रहते हैं। इन सब में एक साल और बीत गया। पिछले एक साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। एना और लैरी ने शादी कर ली है, पर एना अक्सर डैन के साथ भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती है। इस बारे में उसने आज तक लैरी से नहीं बताया। पर थोड़े टाइम के बाद दोनों को रियलाइज़ हुआ है कि इन दोनों को अपने अपने पार्टनर्स को चीट नहीं करना चाहिए। एना अपने हस्बैंड लैरी से सब कुछ बता देती है, जबकि डैन ने भी एलिस को सब कुछ बता दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एना के हस्बैंड लैरी ने अब एना को छोड़ने का मन बना लिया है। वो एना से इतने सारे सवाल करता है कि मजबूरन एना अब उसे छोड़ने को तैयार हो गई है। इधर एलिस ने भी अब डैन को छोड़ दिया है। वो फिर से स्ट्रिपिंग करने लगी है यहाँ के बार में। एक दिन इस क्लब में अचानक से लैरी आ गया। वो एलिस को देखता है। यहाँ वो एलिस का कस्टमर बनता है। वो कहता है कि जब वो उसे पहली बार मिला था तब से उसे पसंद करता है। यहाँ वो एलिस के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है। एलिस ने इससे इनकार कर दिया। एलिस यहाँ लैरी से कहती है कि उसका रियल नेम जेन है। इधर हम लैरी और एना को देखते हैं जो कि कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं। एना चाहती है कि लैरी उसे डिवोर्स दे दे। लैरी डिवोर्स देने के लिए तैयार है, पर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि डिवोर्स पेपर्स पर मैं साइन तब करूँगा जब तुम अंतिम बार मेरे साथ संभोग करोगी। एना ने इसके लिए हाँ कर दिया, और फिर दोनों ने आपस में जिस्मानी संबंध बनाया। एना जब इसके बाद डैन के पास पहुँची है, तब डैन एना की शक्ल देखकर सब कुछ भांप लेता है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने लैरी के साथ संभोग किया है। एना इसे इनकार नहीं करती, पर कहती है कि उसे डिवोर्स पेपर पर साइन कराना था और इस वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। अब डैन को एना पर ट्रस्ट नहीं है।
उसने एना को छोड़ दिया है। वो वापस एलिस के पास पहुंचा है। एलिस ने भी डैन को माफ़ कर दिया। दोनों साथ में छुट्टियां मनाने जाते हैं। ये अमेरिका के होटल में ठहरे हैं। यहाँ दोनों आपस में संभोग करते हैं। इसके बाद ये अपनी पहली मीटिंग की बातें कर रहे हैं। बातों बातों में जैसे ही लैरी का जिक्र आया, डैन को गुस्सा आ गया। वो एलिस को छोड़ने की बातें करने लगता है। एलिस उसे कन्विंस करती है। इसके बाद डैन कन्विंस हो भी गया, पर एलिस को रियलाइज़ होता है कि डैन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उसके अंदर दोगलापंती ज़्यादा है। अब उसने खुद ही कह दिया कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। इस तरह इन दोनों का रिश्ता भी समाप्त हो गया। फिल्म के एंड में हमें कुछ सस्पेंस का खुलासा होता हुआ दिखता है। न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन पॉइंट पर जब एलिस पहुंची है, तब उसके पासपोर्ट से पता चलता है कि वास्तव में उसका नाम एलिस नहीं है, जेन ही है। इधर लैरी और एना साथ में है। दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और उनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है। डैन पहुंचा है लंदन के उस पार्क में जहां वो एलिस से पहली बार मिला था। यहां वो कई सारे नामों में एलिस का नाम भी पता है। एलिस एक कोई लड़की थी जिसने कि तीन लोगों को बचाया और बचाते हुए उसकी जान चली गई, इसलिए आज भी एलिस की मेमोरी में उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी जेन ने यहाँ से ये नाम पढ़ा और फिर खुद का नाम एलिस बताया, डैन को इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाया। ये सब देखकर डैन काफ़ी इमोशनल होता है। फिल्म के एंड के सीन में हमें एलिस यानी जेन को दिखाया जाता है जो कि अब न्यूयॉर्क में है। यहाँ की गलियों में वो फिर से गुजर रही है। यहाँ के सभी लोग उसे देखे जा रहे हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।